एके मिश्रा जी, मैं आपके पास रहना चाहूंगा, ये भीड़ इस बात की गवाही दे रही है कि लोग अटल जी को कितना मानते थे। देखिए शुक्ला जी, मैंने आपको पहले ही बताया था, सारी जो जद्दोजहद होती है, जो आप किसी भी प्रोफेशन में हो, देखिए ये इन्फ्लुएंस करने का कि कौन नेता या कोई भी एक बड़ा आदमी, एक सक्सेसफुल आदमी कैसे पब्लिक को अपने साथ बांधता है, ये भीड़ अपने आप में ये बताती है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व तो क्या था, उनकी लीडरशिप स्टाइल क्या थी। वो अपने आप को कभी भी लोगों से, जनता से उन्होंने अपने आप को इतर नहीं समझा। उन्होंने जब भी बात की, उन्होंने जब भी कोई राजनीतिक काम किया, किसी भी तरीके का उन्होंने आंदोलन किया, कुछ भी किया, वो जनता के हितों के लिए ही था। ट्रू मीनिंग में अगर देखा जाए तो लोकतंत्र की जो एक आधुनिक परिभाषा है, जनता के लिए, जनता के द्वारा, मतलब जनता की सरकार। आप ये देखिए, जब पेट्रोल वेट्रोल के जब कीमतें बढ़ी थी, प्रदर्शन करने के 50 तरीके होते हैं, लेकिन उन्होंने भी प्रदर्शन करने के लिए क्या चुना, एक बैलगाड़ी चुना था जिसमें 2 बैल थे। आप ये देखिए, 2 बैल और एक बैलगाड़ी, भारत में जो सबसे लोअर लेवल पर रहने वाला किसान है, एक साधारण आदमी है, ये उसके जीवन से संबंधित चीजें हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी सोच में जब वो कोई काम करते थे, नीति बनाते थे, तो उनके सोच में हमेशा ये अवस्थित रहता था कि एक झोपड़ी में रहने वाला आदमी भी, उसके लिए भी मुझे क्या करना है, मुझे नीतियां कैसे बनानी है। और यही रीजन है, ये ऐसा नहीं, ये अटल जी का प्रभाव नहीं है कि ये सारी जनता जो है उनसे जुड़ी रही है, ये अटल जी के काम का प्रभाव है कि जनता ने उनको अपना नेता माना। और ये वही, आप देखिए अटल जी ने जो कंट्रीब्यूट किया, उसी चीज की, मतलब उसी चीज को एक्सेप्ट करना, उस चीज को दिल से मानना, तभी तो इतनी पब्लिक, इतनी भीड़ आज अंतिम दर्शन के लिए वहां पे उमड़ी बैठी हुई है। नहीं कोई क्यों अपना काम छोड़ के आता। बिल्कुल, अटल जी सबको सम्मान की भावना से देखते थे, सम्मान देते थे, और यही वजह है कि आज उनके अंतिम दर्शन ले चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर वर्ग के लोग शामिल हैं। देखिए मैंने आपको बताया शुक्ला जी, होता क्या है कि एक, जब आप स्वार्थ परक राजनीति से, राजनीति में भी कई चरण होते हैं, एक नेता बनने में, भाई नेता तो सभी हैं, एक चौराहे पे जो भाषण दे रहा है वो भी नेता है, लेकिन असली मामले में जो एक नेता की, एक जो लीडर की डिफिनीशन होती है, वो ये नहीं होती है कि आप चुनाव लड़िए और चुनाव जीतिए। एक लीडर, एक नेता वो होता है जो समाज का मार्गदर्शक होता है, और समाज में भी केवल समाज के किसी एक अंग का नहीं, जैसे कि अभी आप बता रहे थे एक मुस्लिम फैमिली आ रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी सच्चे मामलों में एक नेता की, एक लीडर की, एक ट्रू लीडर की जो डिफिनीशंस के जो पैरामीटर्स होते हैं, वो सारे पैरामीटर को फुलफिल करते हैं। और यही कारण है कि विभिन्न संप्रदायों के, विभिन्न धर्मों के लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं उनको अंतिम विदाई देने के लिए। बिल्कुल, और जितने भी राजनीति में दिग्गज नेता हुए या अभी भी हैं, लेकिन वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वाजपेयी जी को बहुत अलग बनाती हैं? वो एक ही चीज है शुक्ला जी, मैं आपको बताऊं। देखिए राजनीति में या किसी प्रोफेशन में दिग्गजपन, आपकी जो दिग्गजता है, आप ऐसे समझिए, वो इस चीज से नहीं होती है कि आप चुनाव जीत गए। दिग्गज शब्द यानी एक वेट आना, वो तब होता है जब केवल और केवल आप अपने निहित स्वार्थों, अपने मतलब सेलेक्टिव, मतलब कि आपकी पार्टी जीत जाए, आप जीत जाए, जब आप इन चीजों से उठ करके जब आप काम करते हैं ना, नेक्स्ट लेवल पे जब आप पहुंचते हैं, तब वाकई में आपको दिग्गज बोला जाता है। तब आप दिग्गज की परिभाषा में जो है फिट बैठे हैं, जैसे दिग्गज बिजनेसमैन हो गए, दिग्गज नेता हो गए। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंदर ये खूबी थी जो उनको सबसे अलग करती थी कि दिग्गजता की, या एक दिग्गज की जो परिभाषा होती है ना, या एक जो लेवल होता है, जो एक साधारण डे टू डे लाइफ स्टाइल में देखा जाए जो नेतागिरी होती है, उन चीजों से वो बहुत ऊपर उठ चुके थे। और उनका ये टारगेट था, उनका ये टारगेट था कि मुझे ये लो लेवल की, केवल अपने स्वार्थ के लिए नेतागिरी नहीं करनी है, मुझे आदर्श के साथ नेतागिरी करनी है, मुझे सिद्धांतों को प्रतिपादित करना है, मुझे सिद्धांतों को यहां पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करना है। तो ये एक फर्क था जो आज मुझे नहीं दिख रहा है। और सबसे बड़ा फर्क जो होता है ना, जो मौलिक फर्क होता है, वो सैद्धांतिक फर्क होता है, वो मोरल का फर्क होता है, वो आपकी मानसिकता का फर्क होता है। देखिए पढ़ाई लिखाई हो सकता है, बहुत सारे नेता ऐसे रहे हो जो उनसे बहुत ज्यादा पढ़े हो, उनसे बहुत ज्यादा विद्वान हो, हर मामले में उनसे बहुत अच्छे हो, लेकिन इस पैरामीटर पे अगर आप देखेंगे तो उनकी कोई सानी नहीं थी, उनका कोई कॉम्पिटिशन नहीं था। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि आज पूरा देश जो है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़ा है। बात देश की नहीं, विदेशों से भी लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, और बोला जा रहा है कि एक बाप, एक मित्र, एक दिग्गज
राजनेता का साथ अब छूट गया। वाकई में ये उनके सिद्धांतों की ही पहल है, उनके सिद्धांत ही ऐसे हैं कि जो विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने हर सिचुएशन का डट कर सामना किया। देखिए, हर विपरीत परिस्थिति का जो है सामना करना या डट के सामना करना, देखिए ये तो एक आप अगर नेचुरल वे में देखिए कि किसी के सामने भी अगर कोई दिक्कत आती है ना, तो वो सामना तो अपने अपने लेवल पे करता है। खूबी क्या है, अगर उन्होंने किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना किया तो उनकी मैनेजमेंट या उनकी लीडरशिप स्टाइल क्या होती थी। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, अटल जी के साथ ये रही है, परिस्थिति कितनी भी विपरीत रही हो लेकिन जीत अगर कभी अटल रही है तो केवल अटल जी की रही है। परिस्थिति की हमेशा हार हुई है। 4-5 उदाहरण आपने बताए हैं, वो ठीक है, वो देर हो सकता है, वो सवेर हो सकता है, हो सकता है वो चुनाव हार गए एक वोट के कारण, लेकिन दूसरी बार उनकी सरकार बनी। और मैं ये भी बोलूंगा हो सकता है उनके रहते हुए सरकार न बनी अगर मान लिया जाए, तो आज बीजेपी का जो एक छत्र राज्य है, जो ये चक्रवर्ती सम्राट बैठे हुए हैं, मतलब बीजेपी एक चक्रवर्ती सम्राट की तरह आज राज कर रही है, उसके पीछे शायद वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का योगदान है, और उससे भी बढ़ के उनके निस्वार्थ भाव से उनके राजनीतिक सिद्धांतों का जो है वो उनका योगदान है, जिसके कारण आज बीजेपी की अगर देखेंगे राजनीतिक पताका तो भारत के मतलब 28-30 में से 17-18 कितने राज्यों में, हर जगह आप देखिए बीजेपी की विजय पताका फहरा रही है। तो सबसे ज्यादा ये चीज है, मैं तो ये बोलूंगा बीजेपी का कोई छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, कोई बहुत बढ़िया प्राइम मिनिस्टर बन सकता है आज के 25 साल बाद भी कोई उनसे बहुत अच्छा, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं जड़ में अगर देखेंगे किसी का योगदान तो बीजेपी के जो पितामह हैं आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही योगदान देखेंगे। बिल्कुल। एक चीज और, हालांकि उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं, बहुत से ऐसी चीजें की हैं जो दिल को छू गई, लेकिन कोई एक ऐसी चीज जो आपके दिल को छू गई हो जो आप यहाँ पर बताना चाहेंगे? जरूर, देखिए हर एक मोमेंट मैं आपको बताऊं, पहले भी जब मैं सुनता था, मैं देखता था, उस वक्त तो हम लोग इतने खैर नहीं थे, मतलब वो आप ये सोचिए कि हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं था, लेकिन एक गैर राजनीतिक व्यक्तित्व तो आदमी होते हुए भी, लेकिन हम तब भी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते थे। मैं उनके एक भाषण को मैं देख रहा था जो मुझे सबसे ज्यादा मतलब वाकई में एक राजनेता हो, समाज का हर आदमी हो, इसी तरीके से होना चाहिए, मैं उसको बोलना चाहूंगा। जब उन्होंने ये बोला था कि मैं ठीक है मैं विरोधी हूं लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा, सरकारें पहले भी बनी हैं, लोगों ने काम पहले भी किया है, देश में कंट्रीब्यूशन सरकारों ने, लोगों ने, हर आदमी ने पहले भी किया है, अगर मैं केवल अपनी जीत के लिए, राजनीतिक फायदा के लिए मैं इस चीज को नकार दूं कि पहले की सरकारों ने काम नहीं किया, पहले की सरकारों ने ग्रोथ नहीं किया, पहले के लोगों ने कंट्रीब्यूशन नहीं किया, तो ये हजारों करोड़ों लोगों का अपमान होगा, ये किसानों का अपमान होगा। आप देखिए क्रेज तो सब लेना चाहते हैं, शुक्ला जी मैं आपको बताऊं, पराकाष्ठा देखिए महानता, हर आदमी चाहता है कि मुझे रिवार्ड मिले, लोग मेरी बातों को माने, मेरी जय जयकार हो, लेकिन क्या आपके अंदर इतना गट्स है कि आप दूसरे को रिकॉग्निशन दे सके? दूसरे आदमी ने जो कंट्रीब्यूट किया है चाहे वो छोटा हो, उन्होंने किसान का भी जिक्र किया था, हो सकता है जिसके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है वो किसान का भी जिक्र उन्होंने किया था, आप इतने छोटे लेवल पे और इतने महान तरीके से उसके योगदान को आप इतने महान तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं? इसके लिए बहुत उदार हृदय, उदार विचार आपको चाहिए, और एक संभाव की मतलब ये पूरा एक आपका माइंड सेटअप होना चाहिए कि ये पूरा देश मेरा है और हर आदमी इस देश के हैं, मेरा अस्तित्व है तो वो इसलिए है कि कितने छोटे छोटे लोगों ने मुझे यहाँ तक बढ़ाने के लिए, इस देश को महान बनाने के लिए योगदान किया है। दूसरों के कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकग्निशन देना और मानना, ये सबसे बड़ा उनका योगदान रहा है। बिल्कुल। और एक सवाल एक और, क्या वाजपेयी की बीजेपी और मोदी की बीजेपी अलग अलग है या मोदी उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं? मोदी विरासत तो वही है, देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बोला विरासत वही है, देखिए चेंज कहां कहां हो सकता है, आप इसको ऐसे समझिए, शरीर और आपके शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं, जो आत्मा है, शरीर है, जो अंग है, वो तो सेम रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा ना। चेंज क्या होता है? चेंज होता है कपड़े। देखिए मोदी और बिहारी अटल बिहारी वाजपेयी जी का देखिए बेसिक सिद्धांत जो बीजेपी के हैं, जो लक्ष्य हैं, या आरएसएस बोलिए, दोनों को एक ही करके देखिए, वो तो सेम है, इनके जो आइडियोलॉजी है जो पहले थी वो अभी थी। सवाल ये है कि अब मौसम चेंज हो गया है तो भाई हमने शर्ट की जगह टी शर्ट की जगह अब कोट निकाल लिया है। फर्क यहीं पे आता है कि टास्क को एग्जीक्यूट करने का जो तरीका है, चेंज कहां पे आया है? देखिए आइडियोलॉजी सेम है, टारगेट सेम है, सारी चीजें सेम है, विचारधारा सेम है, लेकिन एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस है, टूल्स एंड जो टेक्निक है, ये चीजें चेंज हो गई। ये ऐसे ही है
कि यात्रा तो हम 100 साल पहले भी करते थे, लेकिन तब हम बैलगाड़ी से करते थे। उद्देश्य तब भी हमारा अपनी मंजिल पे पहुंचना होता था, उद्देश्य तब भी हमारा जो होता था कि हमें अपने काम को करना होता था, लेकिन आज वही यात्रा जो है हम कार से करते हैं, क्योंकि कालखंड और समय के हिसाब से कार मतलब क्या हुआ, कार टूल्स एंड टेक्निक है। हमने अपनी टूल और टेक्निक को बदल दिया है, हमने अपने सवारी को बदल दिया है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने रास्ते को तय करने के लिए, अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए हमने अपने घोड़े को बदल दिया है। तो फर्क यही है कि आज की जो बीजेपी कर रही है उन्होंने टूल्स और टेक्निक बदल दिया है, लेकिन उद्देश्य कमोबेश अगर देखा, और ये सारे पार्टियों के साथ, देखिए मैं आपको बताऊं, कांग्रेस के भी उद्देश्य और आइडियोलॉजी तो वही है ना जो पहले थी आज के 50 साल 60 साल पहले। समाजवादी पार्टी की आइडियोलॉजी अगर देखें तो वो जो आइडियोलॉजी उनकी आज के फाउंडेशन के टाइम पे थी वो थी। ऐसे ही मार्क्सवादी पार्टियों का आप देखिए, कम्युनिज्म का जो आइडियोलॉजी मार्क्सिज्म के उद्भव के समय थी वो आज भी है, चुनाव जीते या हारे। टूल्स एंड टेक, पहले जो है कन्विंसिंग जो होती थी इलेक्शन की वो डोर टू डोर जाके गांव जाके होती थी, तब टीवी वगैरह नहीं होते थे। क्या टूल्स एंड टेक्निक बदल गए? आज सोशल मीडिया हो गई है, टीवी हो गई है, पहले केवल पेपर और ये सब चीज़ें छप जाती थी, पोस्टर छप जाती थी, बैज बिल्ला होता था, ये सब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी लाउड स्पीकर लगा के भाषण। आज बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक आ गए, उद्देश्य वही है, काम को प्रतिपादित करने का जो टूल्स एंड टेक्निक है, जो सहायक होते हैं, जो एसेसरीज होती हैं, वो बदल दिए हैं पार्टियों ने और सारी पार्टियों ने बदल दिए हैं। बिल्कुल मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और